अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मिक्स भाजी बनाने वाली हूँ न्यू तरीके से। उम्मीद है ये रेसिपी आप लोग को बहुत पसंद आने वाली है, तो शुरू से आखिर तक ये रेसिपी को देखें। हेल्दी रेसिपी बना रही हूँ, वेट लॉस में भी काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पैन गरम हो चुका है तो इसमें डालेंगे राई का तेल। गैस मीडियम रखी हूँ, तेल गरम हो चुका है तो थोड़ा जीरा डालेंगे। चटक चुका है तो इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे और हरी मिर्च। इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। लहसुन अच्छा से पक जाना चाहिए। लहसुन मिर्ची फ्राई हो चुका है तब इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। इसे गोल्डन होने तक पका लेंगे। फ्राई हो चुका है प्याज तो इसमें डालेंगे 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और काली मिर्च छोटी चम्मच से 1 चम्मच। हरी मिर्ची डाली हूँ इसलिए लाल मिर्च थोड़ा कम ले रही हूँ। तीखा आपको जैसा पसंद हो वैसा डालें। तो सभी को इसमें रख करके 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो पानी थोड़ा सा डाल लेंगे इसमें। मसाला जलना नहीं चाहिए। मसाला अच्छे से भून चुका है, पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी, पानी नहीं डाली मैं इसमें। तो इसमें डालेंगे शिमला मिर्च, लाल हरा पीला। इसमें डालेंगे बेबी कॉर्न और गाजर। इसमें डालेंगे रेड पत्ता गोभी, डालेंगे नॉर्मल पत्ता गोभी ग्रीन वाली। इसे सभी को मिक्स कर लेंगे। और इसमें डालेंगे ब्रोकली, इसे स्टीम कर ली हूँ, हरा कलर नहीं जाना चाहिए इसलिए स्टीम कर ली इसे। और मशरूम, इसे 1 मिनट के लिए पानी में उबाल ली हूँ। डालेंगे चेरी टमाटो। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हल्के हाथों से। तो अच्छे से सबको मिक्स कर दी हूँ, ढक्कन लगा करके 5 मिनट के लिए पका लूँगी। बीच में एक बार चला लूँगी खोल के। 5 मिनट हो चुका है, बीच में एक बार खोल के चला लिए थे। अब देख सकते हो बनके तैयार है। भाजी अपनी अच्छे से कुक हो चुकी है। आप लोग भी इसी तरीके से बनाएं। बनके तैयार है। धनिया से गार्निश कर दूंगी, हरे धनिया से। अपनी भाजी बनके तैयार हो गई है तो आप लोग भी इसी तरीके से बनाएं। उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगेगा। मेरा मिक्स भाजी बनके तैयार है, बहुत ही टेस्टी और मज़े का बना है, बहुत ही हेल्दी है। तो बहुत ही अच्छा लगता है, एक बार आप ज़रूर बना करके देखें, उंगलियां चाटते ही रह जाएंगे, बार बार बनाएंगे। अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि मेरी न्यू रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो इसी तरीके से अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आते रहूँगी। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।